एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI ने म्यूचुअल फंड निवेश के नवंबर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक नवंबर महीने में इक्विटी इन्फ्लो में गिरावट देखने को मिली है। आखिर म्यूचुअल फंड में निवेश नवंबर में क्यों गिरा है और बजट से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, इस पर AMFI के चीफ एग्जीक्यूटिव NS वेंकटेश से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने। एमफी ने अपने नवंबर महीने के आंकड़े जो हैं वो जारी कर दिए हैं। ऐसे में SIP जो है लगातार बेहतर रिस्पांस देते जा रहा है। क्या है इसके पीछे वजह और क्या है इंडस्ट्री का आउटलुक, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एमफी के चीफ एग्जीक्यूटिव NS वेंकटेश। सर जी, मीडिया पर आपका स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि SIP का जो इतना रिस्पॉन्स है किस तरह का रिस्पॉन्स है, क्या आप देख पा रहे हैं आने वाले दिनों में? SIP का रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया है। 13,000 का फंड्स कलेक्ट किया है SIP में कंटिन्यूसली। लास्ट मंथ ऑल्सो 13,000, दिस मंथ ऑल्सो 13,000। वी बिलीव दैट SIP का फ्लोस और ज़्यादा हो जाएगा। मे बी बाई नेक्स्ट जून और समथिंग वी एक्सपेक्टेड टू टच द 14,000 का नंबर। वी बिलीव दैट द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स थ्रू SIP इज वन ऑफ द बेस्ट रूट्स फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। सो वो हमारा इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन्स में हम बात करते हैं टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर हैज टेकन फैंसी टू SIP। सर बात करें इक्विटी इन्फ्लो की, तो इक्विटी इन्फ्लो में थोड़ा कुछ कम ज़्यादा जो है वो अमाउंट देखने को मिला है, तो क्या वजह रही है उसके पीछे? इक्विटी फ्लोस हैव कम डाउन दिस मंथ टू अराउंड 2,000 odd crores। मेन थिंग इज द मार्केट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई, so people are encashing their profits and using it for consumption purposes like buying a house or for buying a car, and it's festival season so other spending, so I think इसीलिए आप देख रहे हैं। लेकिन अभी बजट थोड़ा दिन में आ जाएंगे, तो बजट का अच्छा सा बजट हो जाएगा तो मार्केट और ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगा, तो वी सी मोर एंड मोर इंटरेस्ट हैपनिंग इन दी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सर हाल के दिनों में जो है RBI ने अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है जिसमें रेपो रेट में जो है बढ़ोतरी की गई है, तो डेट फंड को लेकर सर क्या रिस्पांस है, इसका असर कितना दिखेगा? डेट फंड्स में थोड़ा मनी हैज गॉन आउट, दैट इज एसेंशियली पीपल आर टेकिंग आउट मनी बिकॉज इंटरेस्ट रेट साइकिल में टाइटनिंग साइकिल अभी चल रहे हैं, तो मेरा अंदाजा से और दो रेट हाइक्स आने वाला का संभावना है, तो वो आ जाएगा तो वी विल पॉज, RBI विल पॉज, सो वो टाइम पे आप देखेंगे मोर एंड मोर फंड्स विल कम इन टू द डेट फंड्स। अभी तो आप देखेंगे, फिलहाल आप अभी देखेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, PSU एंड बैंकिंग फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, उधर से सब पैसा पीपल आर टेकिंग आउट, बट यू विल सी मनी कमिंग बैक इन टू दोज फंड्स।